अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है और इसके पास दुनिया की नवी बड़ी अफरादी कुवत है, यानी वी हैव द नाइन्थ लार्जेस्ट मैन पावर इन द वर्ल्ड। ये तकरीबन 12 करोड़ के लगभग लोग बनते हैं और इसका निस यानी आप कह सकते हैं 6 करोड़ के करीब ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है, यानी वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वर्क फोर्स। और ये मुल्क का बहुत बड़ा असास हो सकते हैं अगर बरसरे रोजगार हो तो, लेकिन इसके बरक्स अगर इस यंग ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा चंक या बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो तो ये मुल्क और कौम के लिए एक लाइबिलिटी बन सकता है। एज वी स्पीक हर पाकिस्तानी में तकरीबन 2.25 लाख रुपए का कर्जा है। एक तरफ आप देखें तो महंगाई ने लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर भी किया, दूसरी तरफ जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसने उन फैमिलीज की भी कमर तोड़ दी है जहाँ पर कभी एक कमाता था और 5-6 लोग खाते थे। जब कोरोना वायरस आया तो तकरीबन 2 करोड़ लोगों को मजीद उसने सतह गुरबत के नीचे धकेल दिया और एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों की नौकरी या जो काम है वो चला गया। हुकूमत वक्त को इस मसले का बखूबी अंदाजा है और उनका जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, जो हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उसमें 100 अरब रुपये खर्च करना चाह रहे हैं और तकरीबन 1 लाख नौजवानों को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा नौकरियों की सूरत में, ट्रेनिंग की सूरत में। इमरान खान साहब बहुत इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, एक और शख्स भी है जो हमें अक्सर नज़र आता है जो इस मसले पे परेशान है और बिल्कुल इसी मिशन पर है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको काम पर कैसे लगाया जाए। और मेरे ख्याल में कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी में पूरी करता हूँ। मैं बात करूँ आज़ाद चायवाला की, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। ये अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को बिजनेस एजुकेशन देते हैं, पैसे कमाने के तरीके बताते हैं और बिजनेस करने के तरीके बताते हैं, और सिर्फ बात नहीं कर रहे होते बल्कि लाइव डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये उन एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को प्रोफाइल करते हैं जो कामयाब हैं, जिन्होंने करके दिखाया कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं मुश्किल हालात में भी, तो उनका प्रोफाइल करते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो सके और उनसे सीख सकें। आज़ाद, वेलकम टू समा मनी। अच्छा आज़ाद साहब, इस वक्त अगर हम एज वी टॉक, कोरोना वायरस आया और हमारी इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में चली गई, 68 साल में पहली बार ऐसा हुआ, माइनस में चली गई, उसके बाद वापस हमने रिकवरी कर ली, अभी भी हम 4% के अंदर ग्रो कर रहे हैं और इकॉनमिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हर साल 20-25 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए इकॉनमी को कम अज़ कम 7% से ग्रो करना चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा गैप है ये कैसे फिल होगा? क्या हुकूमती इकदाम काफ़ी हैं या कुछ और करने की ज़रूरत है? बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। हुकूमत जो है, पहली बार हमें खुशकिस्मती से ऐसी मिली है दैट इज प्रो बिजनेस, जिसको समझ है कि हमारा गुजारा कर्जों में नहीं होना, हमें खुद कफील होना है, हमें खुद पैसा कमाना है। सो देर रियली पुशिंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान कर रहे हैं, बट सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने पैसा कमाया है, मुझे वो दूसरी साइड देखनी पड़ी है जहां पे आपको पैसे की फिक्र नहीं होती। तो आई थॉट यार ये जो मुझे ये गुर आ गया पैसे कमाने का, दूसरों को सिखाता हूँ। तो सिमिलरली मैं भी अकेले नहीं कर सकता, हां साहब भी नहीं कर सकते, वी नीड अ लॉट मोर एंटरप्रेन्योर्स। हमें एक कल्चर सा पैदा करना है जहां पे हमारे सेलिब्रिटीज वो हों जो बिजनेस में कामयाब हों, उनको बच्चे देखें, एस्पायर हों। आपने जिक्र किया सक्सेस स्टोरीज का, तो मैं वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे ना मोटिवेशनल स्पीकरों ने आगे इनको कुछ नहीं करवाना, मोटिवेट नहीं करना। जब ये देखेंगे कि यार मेरी रंगत का, मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का बंदा, मेरे ही बैकग्राउंड का बंदा इतने ज्यादा कमा गया, तो उनमें वो फिर यानी वो हौसला आएगा। तो दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू इंक्रीज। पाकिस्तान में हमने कल्चर डालना है ऑफ हैविंग सक्सेसफुल पीपल, उनको आगे आगे करना। ठीक है, तो आपके ख्याल में सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है जॉब क्रिएशन का? स्किल। हमें अपनी माइंडसेट बहुत हद तक चेंज करनी पड़ेगी। पैसे को हम, यानी मैं जब शुरू हुआ था तो कल्चर ऐसा था कि मुझे लोग गालियां निकालते थे, जी ये पैसे पैसे के पीछे पड़ा होता है, यानी दे आर मानने का, हकीकत मानने के लिए तैयार, और दैट उनका कसूर नहीं है। वो हमारा कल्चर ही ऐसे था कि भाई रटे को पढ़ाई बोलते थे और एजुकेशन बोलते थे, उसके पीछे धकेलते थे, बनिस्बत इसके कि हकीकत को देखना कि यार जब आप वो रटा कर भी रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे कोई ओहदा अच्छा मिलेगा, मुझे नौकरी अच्छी मिलेगी, और नौकरी अच्छे का मतलब है कि पैसे अच्छे मिलेंगे। तो आज का दुनिया यानी हकीकत पसंद हो चुकी है, वो कहती है अच्छा मैं आपको पैसे अच्छे क्यों, तो व्हाट वी नीड टू डू इज स्किल्स सिखाना बच्चों को। कौन सी स्किल्स हैं जो इस वक्त हमें
लगता है हमारी यूथ को एक्वायर करने की जरूरत है, और जो रेलेवेंट रहे, ये ना हो 5 साल बाद उनकी कोई डिमांड ही ना हो। हम ये नहीं तो कर सकते स्किल से, दिस इज हमारी बीमारी। हमारा जो पाकिस्तानी बच्चा है, हमारी जो आवाम है, कहती है कि पका पकाया हमें मिल जाए और चम्मच से हमें कोई खिलाए। हमें तैयार होना चाहिए कि स्किल एक टाइम के लिए क्या कहते हैं रहेगा, उसके बाद बदलेगा। और हमें जो चीज बदलनी है, दैट इज कि चीज बदलती रहती है। अब डिग्री को आपको पता, मैं बहुत कुछ कहता हूँ, एक जमाने में इट वॉज द हाईएस्ट पिनकल ऑफ एजुकेशन, लेकिन बदल चुका है जमाना। लेकिन हमारे बंदे कहते नहीं, पुराने जमाने का जो घोर है ना, उससे आज के जमाने के मसले हमें हल करने हैं। अव्वल वी मस्ट बी रेडी कि स्किल बदलेगा। जो इस दौर में आपको स्किल सीखना है वो होगा जी, क्योंकि अब आईटी वाले को मैं ज्यादा पुश करता हूं, आईटी वाले स्किल्स ऐसे हैं कि वाकई तन आप 1-2-3 दिन, 1-2 हफ्ता, 1-2 महीने में सीख सकते हो वो स्किल्स जो आपको अगले 5-10-20 सालों के लिए काम आएंगे। बट ऑफलाइन अगर आप देखें, सेल्समैनशिप, कुकिंग, जो भी स्किल हमारा बाहर जाता है, उसकी बस एक हायर लेवल हो, उसकी एक डिग्री ऊपर हो, प्रोफेशनलिज्म उसमें लाया जाए, कुछ भी हो, स्किल स्किल होता है, स्किल की पूरी दुनिया में कदर है। एकेडेमिया है वो अपनी जॉब प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो कहाँ खामी है और क्या कहाँ गैप्स है और कैसे इसको फिल आउट किया जा सकता है, स्पेशली जो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, मैं आपसे अग्री करूंगा, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ जाहिर है, तो वो क्वालिटी नजर नहीं आती। आप कह लें कि वो ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके भी निकल रहे होते हैं, एम्प्लॉयबल नहीं होता, ऐसा क्यों है? बिकॉज हम एक तो हकीकत पसंद नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा और जो फैकल्टी है उसको बदलना पड़ेगा। और फिर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट पे बात आ जाती है। आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें, आपने कामयाब जवान की बात की है, इनका इनके ना 2 प्रॉन्ग्स है। एक तो जी इनको कर्जा दो, पैसे दो, ये अपना बिजनेस शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ किसी को करोड़ों दे दें, अगर उसको घुर नहीं आता पैसे को यानी संभालना, उसको कुछ बनाना, तो वो क्या कहते हैं अपना किसी काम का नहीं। दूसरा जो हिस्सा है कि हम क्या करते हैं, हम जिसको एजुकेशन बोलते हैं, जिसको आपने कहा कि जी मास्टर्स भी कर ले, उसको लैदा रखते हैं, और फिर गवर्नमेंट की कोशिश होती है थ्रू टेप्टा, थ्रू सच प्रोग्राम्स, आप इनको वो वाली चीज सिखाएं जिनसे ये एजुकेटेड हो जाए। यानी गवर्नमेंट खुद एतराफ कर रही है कि हमारा जो 16-17 साल जिसमें से हम बच्चे गुजारते हैं वो किसी काम का नहीं है, फिर हमें जरूरत पड़ती है टू एक्चुअली एजुकेट देम आउटसाइड। मेरा कहना यह है कि जितने टेप्टा वाली चीजें हैं, इवन दो आई डोंट रियली, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टेप्टा, उसमें भी बहुत सारी खामी है, और मैं मुझे कोई शर्म नहीं आती टू से कि उसकी रिक्रूटमेंट का ये भी यही क्राइटेरिया कि अच्छा जी आपके पास एमए कंप्यूटर साइंस है, आप आ जाओ सिखाने के लिए। यानी अंधा अंधे को सिखा रहा है। फिर जो चीजें मैं पर्सनली भी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, 15-14 साल हो गए मुफ्त भी किए 22 इंस्टीट्यूट, तो वहां से मैंने ये सीखा कि जो चीज मैं 16 दिन में सिखा सकता हूँ ये 6 महीने लगाते हैं। तो देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी चेंज्ड देयर। वही स्किल्स जो आप बाद में सिखाते हैं स्कूल में क्यों नहीं ले आते, क्यों नहीं कोई बंदा मर्द का बच्चा बनता और कहता है नहीं यार एजुकेशन इज हमारे यूनिवर्सिटीज का जो एजुकेशन है इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू आउटडेटेड, इट्स टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम हमारे बच्चों का ले जाता है। हमें और फॉरेन कंट्रीज में फर्क यह है कि वो जो स्किल्स मार्केट के लिए होते हैं ना, वो हम स्कूल, वो बाहर वाले लोग स्कूल में सिखाते हैं, हमारे कहते नहीं पहले वो सारा कुछ कर लो फिर जाके किसी इंस्टीट्यूट से सीख लेना। सो ये पहली चीज है, हमें वो स्किल्स स्कूल के अंदर लेके जाने पड़ेंगे। दूसरा क्या हमें करना पड़ेगा कि दुनिया का बच्चा 18 साल की उम्र में खुद कफील हो जाता है, बाहर निकल जाता है, दुनिया में लग जाता है। हमारा ये कि 28 साल का बच्चा हो जाता है उसकी पढ़ाई नहीं मुक्ति, और फिर वो डिसहार्टन हो जाता है, और फिर वो जो हम जिसको कहते हैं ना हमारी नौजवान पॉपुलेशन इतनी ज्यादा वो जाया हो जाती है। सो दिस इज अ कल्चर वी नीड टू चेंज। एजुकेशन माँ बाप से शुरू होता है, क्योंकि माँ बाप, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ 90% जो बच्चों से मैं मिलता हूँ डिग्री कर रहे हैं, कहते हैं मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे धकेल रहे हैं इस तरह। अच्छा, ये जो आपने बात की है, तो हुकूमत की जो अगर जायदादें शुमार रहे हैं कि 100 अरब खर्च कर रहे हैं 1 लाख लोगों पे, तो तकरीबन 10 लाख रुपए पर पर्सन बनता है, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली पैसा दे के आप लोगों को, जिनको शायद अगर स्किल नहीं आती है, कोई तरीका नहीं है संभालने की, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कोई अच्छा एफिशिएंट तरीका नहीं है, तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कैसे ये खर्च कर, ये हुकूमत कैसे पैसे खर्च कर सकती है कि रिजल्ट्स हैं? मैं अब नाम नहीं डालना चाह रहा, बट द पीपल हु रन क्या कहते हैं जो रन करते हैं कामयाब जवान, इनके साथ में बैठा हुआ था, इन्होंने ठीक है अब राइट नाउ में यानी ये they're looking for results, तो उन्होंने मुझे बताया
कि हमें हान साहब ने एक इनिशिएटिव दिया हुआ था, गोल दिया हुआ था, उसके मुताबिक हमने एक इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट नहीं, हमारे जो इदारे हैं उनके जो एग्जिस्टिंग अफिलियट्स हैं उनको 70,000 रुपए पर चाइल्ड दिया, 500 बच्चों के हवाले किए। एंड जब हान साहब ने रिजल्ट मांगा तो क्या हुआ कि आउट ऑफ द 500 ओनली 25 वर एम्प्लॉयबल। तो मैंने कहा मुझे पैसे दें, मैं आपको बेहतर रिजल्ट देता हूँ। तो वो कह रहे थे कि जी गेम डेवलपमेंट आप सिखा दें। तो मैंने उनको फिर हिसाब करके दिया, कहा कि मैं मुफ्त के लिए काम तो नहीं करता, एंड क्या कहते हैं मेरे खर्चे ज्यादा हैं फ्रॉम द एक्चुअल 70,000 जो आप दे रहे हैं। मैंने खुद जो सीखा, मैंने उनको कहा कि ये 70,000 बेहतर एफिशिएंटली ऐसे स्पेंड होगा कि मैं 70,000 में आपको बजाय कि 500 देने के मैं 1500 दे सकता हूँ, बट पुट दैट एज मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हूँ, मैं उनको सिर्फ प्रोग्रामर बना देता हूँ, महीने दो महीने में मैं उनको प्रोग्रामर बना देता हूँ, और वो जो आप पैसे मुझे दे रहे हैं ना मैं 100% नहीं लूंगा, ये मुझे मुफ्त का वाला कल्चर अच्छा नहीं लगता, मैं बस ये ऐलान कर दूंगा कि बच्चों आपकी कुछ फीस का हिस्सा हुकूमत दे रही है, कुछ आपको खुद देना पड़ेगा, और दे मस्ट कम डाउन टू। और मैं जब रिक्रूटमेंट करता हूँ टीचर्स की, मैं मार्केट से एग्जिस्टिंग प्रोग्रामर्स उठा के कहता हूँ कि आओ प्लीज टीच करो, बजाय कि मैं वो उसका क्राइटेरिया रख लूँ कि जी मेरा कोई जानने वाला है। तो गवर्नमेंट राइट नाउ वो जो पुराने पहले इंजीनियरिंग सिखा रहे थे अपना, या क्या कहते हैं एसी ठीक करना सिखा रहे थे, या इलेक्ट्रिशियन बनाने वाला सिखा रहे थे, वही लोग अब उनको बस कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, अब आईटी सिखाने लग गए हैं। और जो निकल के भी आता है टेवटा से 6 महीने करके आता है, उसको सिर्फ एमएस वर्ड और ये बेसिक कंप्यूटिंग आती है, उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं जो खुद लूले लंग रहे हैं, जिनको खुद आईटी का कुछ नहीं पता। वी मस्ट गिव इट टू न्यू आईटी कंपनीज, वी मस्ट फाइंड अदर सॉल्यूशंस। आपने एक वीडियो भी की थी कि यू नीड आई थिंक 10,000 टीचर्स, और आपने कहा था इनके यूट्यूब चैनल होने चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे और क्या अचीव करना चाह रहे हैं उससे? थॉट प्रोसेस ये था कि अब दुनिया को ना, अगर राइट नाउ हम 1,00,000 वीडियो एडिटर्स दे जाए ना तो दुनिया पूरी इसको हजम कर दे, हम 1,00,000 डिजिटल मार्केटर्स दे ना पाकिस्तान दुनिया को तो दुनिया इनको हजम कर दे, यानी इतनी ज्यादा किल्लत है दुनिया में इन स्किल्स की। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं अपने चैनल से क्या कर रहा हूँ, बिजनेस सिखा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा जो मेरे पास स्किल्स हैं, इसकी एक मिसाल वीडियो एडिटिंग दे देता हूँ। अब बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, ज्यादा मोबाइल्स हैं, तो हमने एक कोर्स हल्की फुल्की रिलीज की, क्या कहते हैं अपना मोबाइल से वीडियो एडिट किस तरह करते हैं, आधे घंटे की वो कोर्स थी और 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने वो देखी है। यूट्यूब पे अकेली शायद 4,00,000 देखी है, 6,00,000 फेसबुक पे देखी है, हम और प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, तो 1,00,000 लोगों ने वो देख ली, जिससे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1,00,000 बच्चे ने तो यार वो उसका एक्सपर्ट बन चुका होगा। सो वी हैव टू चेंज द मीडियम्स, ठीक है, जिससे हमने सिखाना है। और अगर मैं एक हूं तो अगर मैं मेरे जैसे 1,00,000 होते पाकिस्तान में तो फिर क्या होता, यानी हमने वो कल्चर चेंज करना। मैंने ना देखा हालिया में 5,000 टॉप यूट्यूब पाकिस्तान की क्वीरीज मैंने निकाली और उस 5,000 में से सिर्फ 3600 नंबर में था हाउ टू ओपन ए यूट्यूब चैनल। उसके अलावा हर चीज ना यानी बगैरती थी, उसमें ड्रामों के बारे में था, अमिताभ बच्चन की फिल्म के बारे में था, हर वो चीज थी जो उनके काम की नहीं। सो वी नीड टू चेंज द कल्चर, और हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होना चाहिए जो टीचिंग और लर्निंग के बारे में हो। यही मैं अगर क्या कहते हैं फेरिस 5,000 क्वीरीज यूके की उठा लेता या अमेरिका की उठा लेता तो वहां पे यकीनन कम से कम 100 ऐसे सवाल होते जहां पे इट्स अबाउट सेल्फ लर्निंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, और वहां पे अमिताभ बच्चन के बजाय किसी एंटरप्रेनर का नाम दिया जा रहा होता कि इससे कुछ मैं सीख। तो हमने ना वो कल्चर इसलिए चेंज करना, अगर मैं एक टीचर होकर ये कुछ कर सकता हूँ तो मुझे 1,000 टीचर चाहिए, क्योंकि वो जो 1,000 यूट्यूब पे टीचर्स होंगे ना वो अप टू डेट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, क्या कहते हैं आज उन्होंने सीखा होगा, आज उन्होंने बनाया होगा, आज का नॉलेज वो फटाफट दे रहे होंगे और वो वास्ट मेजोरिटी तक पहुंचेगा। ऑब्वियसली हम अगर तनकीद कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में तो साथ साथ हमारे पास आइडियाज भी होने चाहिए। आपने एक वीडियो भी की थी स्टूडेंट्स के लिए 15 मनी मेकिंग आइडियाज, कुछ आइडियाज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? बहुत तफसील में ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, वो तो अलग वीडियो बनेगी फिर, लेकिन थोड़े से आइडियाज बता सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अगर एजुकेशन में कोई गैप है, ऑब्वियसली अब वो फॉर्मेलिटी है, वो कर रहे हैं जो भी है, तालीम तो लेनी है, लेकिन साथ साथ जो उनका वक्त जाया हो रहा है तो ऐसे कौन से आइडियाज जिसपे वो साथ साथ काम कर सकते हैं? उनको मैं 2-3 कह दूं। पहला ये था अगर आप एजुकेशन दिन को ले रहे हैं, शाम को बड़े ब्रांड्स के साथ जाके आप एम्प्लॉयमेंट करें प्राइवेटली, ये मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, खाड़ी वगैरह हो गई, इनसे आपको क्या मिलता है, आपको आप में डिसिप्लिन आता है, आपको देखने को मिलता है कि ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी जो नेशनलाइज्ड फ्रेंचाइजेस हैं, ये कितनी एफिशिएंटली काम करती हैं, इनके प्रोसेसेस कितने जबरदस्त हैं,
तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी वो क्या कहते हैं नेटवर्किंग भी हो जाती है, आप पैसे भी कमा रहे हो, एजुकेट भी हो रहे हो हकीकत लेवल पे। फिर इनको मैंने पुश किया था कि यार डिजिटल चीजें जो है ना, आप अपने घर बैठे अपनी डोम में या जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं वहां अपने कमरे में बैठ के आप बेच सकते हो। यानी कितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये एडवाइस ले ली और फिर डिग्री भी छोड़ दी, क्योंकि वो इतने ज्यादा कमाने लग पड़ते हैं कि वो डिग्री की जो फजूल की वो जो रट्टे वाली क्लासें वो उनको एक तो स्टिमुलेट तो करती नहीं है, ठीक है, उनमें कोई मजा तो उजागर करती नहीं, उनको मजा तो आता नहीं है, तो वो बोझ बन जाते हैं उनपे। यार उनको मैं पैसे भी दे रहा हूँ खुद कमा के और मुझे आगे से सिखा भी नहीं रहे, उनको हकीकत नजर आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं। सो दीज मेरी दो आइडिया हैं जो मैं सबसे ज्यादा बच्चों को पुश करता हूँ, क्योंकि यूके जहां से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी है यूके से भी है, वहां 14-15-16 साल के जो बच्चे होते हैं वो महीने में साल में 6 महीने में से 5 अगर दिन कह ले, हर रोज मंडे टू फ्राइडे अगर आपको स्कूल जाना पड़ता है तो थर्सडे तक वो किसी ऑफिस में होते हैं, यानी स्कूल हाजिरी नहीं लगाते, वो किसी ऑफिस में जाके बैठे होते हैं, किसी फैक्ट्री में बैठे होते हैं। माँ बाप का स्कूल का काम ये होता है कि उनके वो यानी जो उनके जो यहाँ पे 9वीं-10वीं के बराबर जो क्लास है उससे आने से पहले उनके लिए कहीं इंटर्नशिप ढूंढ लें, और ये 2 बार उनकी जिंदगी में होता है। हमारे यहाँ बच्चा 24-25-27 का हो जाता है तो अम्मी अबू से मांग रहा होता है 50 रुपए जी मोबाइल में वो हमने मैंने क्रेडिट डालना है, पेट्रोल डालना है, और वो शर्मनाक यानी सिचुएशन है। बूढ़े जिन्होंने आप पे इतना ज्यादा यानी उम्मीद लगाई हुई थी उनको एक तो मायूस कर रहे हो और दूसरा क्या कि आप किसी काबिल नहीं हो। सो मैं इनको काबिल बनाने के लिए कहता हूँ, जो वो रटा तो लगा लिया अम्मी अबू की वजह से, आप अपने खुद एजुकेशन की तरफ भी सोचो, पैसा कमाने की तरफ सोचो। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, जाहिर इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है जिस पेस पे करना चाहिए उस पे नहीं कर रही, उसके आधे पे चल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर भी जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा, गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही, ऐसी सूरत में कुछ आइडियाज आपके जहन में है जिसमें आपको लगता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी जॉब क्रिएट नहीं कर रही तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें, चाहे वो ऑनलाइन काम हो या पाकिस्तान में कारोबार करने की जो है मौके हो? पहले ऑनलाइन पे बात कर लेते हैं, बिजनेस आइडियाज पे बाद में आएंगे। ऑनलाइन की ये बात है कि इंडिया जो हमारा पड़ोसी है, जिनकी रंगत हमारे जैसी है, जिसका ओरिजिन हमारे जैसे, जिसकी जुबान हमारे जैसी है, वहां इंटरनेट पहले आ गई। इंटरनेट पहले आने की वजह से वो लोग हमसे 75 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं, 150-180 तक उनकी क्या कहते हैं इंटरनेट की वो जो है ना अपना इनकम आईटी की इनकम पहुंच गई है। शायद ही कोई बैंक होगा पाकिस्तान में जिसके अंदर इंडिया की सॉफ्टवेयर नहीं चल रही होगी, यानी उनके जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उनको सिंग लगे हुए उनपे पढ़ उनको यानी आसमान से वो गड़े हैं हमारे जैसे। हम 2 बिलियन अभी जाके हमने कमाया और हम बड़े क्या कहते हैं बैंड बाजा बजा रहे हैं, वो 180 तक पहुंच गया। सो दैट इज सामने आपके एक है कि यार अपॉर्चुनिटी यानी गैप हम छोटी कर सकते हैं, वो हमसे 7 गुना बढ़े हैं उसकी निस्बत। दैट मीन्स कि हम अगर उनके बराबर भी होते तो 30 बिलियन तो हम कमा रहे होते ना, 30 बिलियन तो हमारे पास आ रहा होता है क्या कहते हैं आईटी से। सो मुझे आईटी सबसे अच्छी लगती है बिकॉज इसमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर जिस रफ्तार से हम लगे हुए हैं सेल्फ लर्निंग, नो थैंक्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा और स्कूल्स, सेल्फ लर्निंग के जरिए जितनी तेजी से ये मेरे बच्चे लगे हुए हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, दे आर गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम, जो खुद सेल्फ लर्निंग में सीख रहे हैं, तो वही हमें 30 बिलियन तक 5 साल बाद पहुंचाएंगे जहां हमें अभी होना चाहिए था। द गवर्नमेंट वही कर सकती है कि जो टेवटा या जिनके दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उनको रियली गौर से देखे एंड से कि लुक रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, गेट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे नहीं, हजारों और है माशाल्लाह अमेजिंग सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उन्हीं के एक्सपर्ट्स को उठा के बताए कि यार आपको जरूरत किस स्किल की है। क्योंकि हम जब यहाँ पे कंपनीज लेके आते हैं पाकिस्तान में सेटअप करते हैं तो हमारा जो स्किल शॉर्टेज इतना ज्यादा है, इट्स वो हमें कम्पीट नहीं करने देता दुनिया के साथ, स्किल है ही नहीं है। डिग्री वाले तो हजारों मिल जाते हैं, कॉलेज वाले और वेले हमें मिल जाते हैं, बट हमें स्किल वाले नहीं मिलते। सो गवर्नमेंट में ये आता है कि जो पैसा लगा रहे हैं इनएफिशिएंट जगह लगा रहे हैं, पुट इट इन द राइट प्लेस। ठीक है, इसमें हम अगर आईटी की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की बातें हैं, जाहिर है एक ई कॉमर्स भी है, आप अमेजोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, अलीबाबा कर सकते हैं, दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग भी है, और अगर हम दोनों का मवाजना करें तो किस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप समझते हैं कि नहीं दोनों के लिए मखसूस किस्म के लोग होंगे, और जो है अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें किस तरह के लोग फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं, किस तरह के लोग बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं? दोनों प्रेजेंट मेजर अपॉर्चुनिटी
जो ई कॉमर्स है उसमें हमारे हमारा दोहरा फायदा ये हो सकता है कि जो लोग आईटी नहीं कर सकते वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जब जाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स हमारे जो अमेजोन में लगे हुए वो उनको बेच सकेंगे। राइट नाउ मैं भी अगर अमेजोन की पुश करता हूं तो मैं कहता हूं चाइना से माल उठा के बाहर भेज दो, क्योंकि वहां पे आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं से लो वहीं बाहर भेज दो। लेकिन उसकी अगर हमें ग्रोथ देखनी है तो जाहिर है क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारे पास भी आएगा और चाइना के पास भी जाएगा, क्योंकि वहां चीज बनी हमने बेची तो दोनों तरफ प्रॉफिट जाएगा। लेकिन अगर उसको हम ज्यादा पुश करेंगे तो वो ये होगा कि छोटी छोटी हमारे पास फैक्ट्रीज हैं ऑफ प्रोडक्ट्स, एक तो वो हो गई। दूसरी अगर आईटी को हम देखते हैं तो जो यूथ है वास्ट मेजोरिटी यूथ इसको कर सकती है, दोनों में मैं समझता हूँ कि बराबर की अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम फ्रीलांसर्स को शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी जिंदगी फ्रीलांसर्स रहते हैं, दे स्टार्ट एज फ्रीलांसर्स फिर वो सॉफ्टवेयर हाउस बनते हैं, यानी उनके पास जब क्लाइंट्स आ जाते हैं उनको गुड़ अच्छा आ जाता है तो वो एक टीम इकट्ठी कर लेते हैं और टीम के बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसी चीज है, ये जूम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा नहीं है, अगर ये लोग फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो वो भी हमारा नहीं है। सो दीज आर प्रोडक्ट्स, जब हमारी सॉफ्टवेयर हाउसेस तगड़े हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और फिर दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगी और वहां पे हमें मेजर फायदा है। यानी मैं कह सकता हूँ इंडिया की एक कंपनी की 15 बिलियन टर्नओवर है और हमारा यानी एक कंपनी का जिनके शायद 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज भी हैं और हमारी पूरी कंट्री का 2 बिलियन यानी आईटी एक्सपोर्ट है। जो टेक्नोलॉजी है इसको लेके आप समझते हैं कि हुकूमत जो कोशिशें कर रही है वो काफी है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है, ये पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा नहीं तो एटलीस्ट सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर बन सकता है। डेफिनेटली आईटी नंबर 1 हो सकती है, बाकी सारे कुल क्या कहते हैं एक्सपोर्ट्स को मिला के उसके 3-4 गुना हो सकती है, बशर्ते कि लोग जो गवर्नमेंट उसने शुरू किया है उसकी नीयत अच्छी है। लेकिन उसके पास जो टॉप पे बंदे हैं ना, अब मैं उनको पर्सनल लेवल पे जानना शुरू हो गया, मैं जानना शुरू हो गया हूँ, मैं उनकी दिल आजारी नहीं कर रहा, बट कभी कभार आता है वक्त, यू शुड पुट योर हैंड्स अप एंड से यार मुझे ये चीज नहीं आती, इट्स बेटर टू गिव इट, यानी जिम्मेदारी भी तो समझे ना, वो उसके हवाले कर दे, दैट इज जिसको ये यानी समझ है जिस चीज की। इन टर्म्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज उनको हमने नजरअंदाज नहीं करना, हर बंदा आईटी नहीं कर सकता, लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल यानी रातों रात दुगना होना वो पोटेंशियल नहीं है, बड़ा लड़ना पड़ता है, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जबकि कंप्यूटर यानी एक बच्चा फर्ज करें ऑन एवरेज 10 लाख महीने अगर कमाना चाहे तो उसको सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत है, यानी अगर 10 से 20 भी जाना चाहे तो वही लैपटॉप की जरूरत है, ही डज नॉट नीड टू हैव फिजिकल प्रेजेंस, उसकी बिजली ज्यादा नहीं लगेगी, उसकी उसके उसके खर्चे नहीं बढ़ेंगे। आईटी इसलिए बहुत जबरदस्त है, यानी जबकि अगर आपको कपड़े यानी टेक्सटाइल में जाना है या कोई भी और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसके लिए आपको ज्यादा हाम माल लेना पड़ता है। और आईटी की ये भी एक मजे की बात है, बाहर से हमें हाम माल लाने की जरूरत इतनी नहीं है। यस हमें एक दो जूम को सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, छोटे मोटे करने पड़ेंगे, बट वो डोंट हैव टू ब्रिंग फिजिकल गुड्स इनटू पाकिस्तान, बस बाहर ही जाएगा मवाद। और फिर क्या होती है आईटी की मजे की क्या बात है, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या राइट नाउ, ह्यूमन मैन पावर, दुबई सऊदी यूके वगैरह। लेकिन हम जब वो बंदा वहां पे बेचते हैं तो हमारे वो लो स्किल्ड वाले काम जिनकी इतनी वेज नहीं है उन पे जाके वो काम करते हैं, जबकि आईटी स्किल गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी। अगर वो बच्चा यहाँ पे 50,000 कमा रहा है वहां पे जाके 1 लाख कमा सकता है, 2 लाख कमा सकता है, करेंसी बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं दैट समथिंग अगेन जो आईटी हमें मुल्क के अंदर बैठ के तो जिंदाबाद, बाहर जब जाएंगे वी लर्न अ लॉट मोर। अगेन इंडिया की मिसाल दूंगा, डेल माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह सबके जो हेड हैं इंडियन हैं। फ्रीलांसिंग और आईटी के अलावा जाहिर है और कौन से एरियाज है जहां आप समझते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और जॉब कारोबार के या नौकरियों के मौके? मैन्युफैक्चरिंग हमारे घर घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये केबल नहीं है, ये अपना जो होता है चार्जिंग केबल पाकिस्तान में नहीं मैन्युफैक्चर होता ऑन अ वाइड स्केल। अब जाके ना छोटी छोटी जगह पे मैंने देखा है क्या कहते हैं किसी ने फैक्ट्री लगा ली, वो कवर निकालने वाली जो मोबाइल का कवर होता है वो भी पहले चाइना से आता था वो ले लिया, अब इसकी केबल की असेंबली यहाँ पे आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे क्या कहते हैं मोबाइल की असेंबली आ गई है। असेंबली पहला कदम होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लोकल कंपोनेंट्स यहाँ पे लोग दे के हम भी मैन्युफैक्चर बन जाएंगे। सो स्त्रियां हमारी अपना टीवी हमारे हर घर में होते हैं ना, हर घर में अपना क्या कहते हैं
माइक्रोवेव है, अवन है, दीज थिंग्स स्टार्ट नीड टू बी मेड इन पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। खैर एक चीज को नहीं उठाते, कुछ भी करें, कुछ भी बनाएं, बट हैज टू बी मेड इन पाकिस्तान। कुछ भी आप करेंगे वो आपकी इब्तदा होगी, जितने छोटे स्केल पे करेंगे वो आपकी इब्तदा होगी, आपकी इंतहा नहीं होगी। मैं अगर अपनी तरफ देखूं तो मैं टाफियां बेचना शुरू की, मैंने वो कारपेट बेचा, कालीन बेचा, बहुत सारी चीजें करके मुझे बाद में सेटल और कामयाबी कहां मिली, गेमिंग इंडस्ट्री में। तो शुरू ही नहीं करता मैं तो मुझे, मैं गेमिंग तक कैसे पहुंचता। बहुत सारे लोग हैं जाहिर है जो काम करना चाहते हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, लेकिन पैसा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता उनके पास। और आप ऐसे आइडियाज भी अक्सर शेयर करते हुए नजर आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें लिटिल टू नो इन्वेस्टमेंट। तो कुछ ऐसे आइडियाज बता सकते हैं जहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट किए या बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके इंसान काम स्टार्ट कर सकता है? डेफिनेटली, पहली तो मैंने आपको शुरू में शिकायत अपनी बताई थी हमारे लोगों की, वो ये है कि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है बिजनेस का। उसमें जब कल्चर नहीं है तो हमारी गलत फहमियां बहुत ज्यादा जहन में कि जी बिजनेस शुरू करने के लिए, फैक्ट्री शुरू करने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों होना चाहिए। जबकि अगर आप जाहिर मुझे देखते हैं, आपको पता होगा कि मैंने 50 प्लस फैक्ट्रियों का जिक्र किया जो 1 लाख के अंदर बन जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, आप फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, आप मिल के मालिक बन जाते हैं। अगर मैं सबसे आसान तरीका, सबसे वो आपको गुल बताऊं जिसमें आप बहुत कुछ बिजनेस का सीख सकते हैं, तो उसको मैं वन डिश मिलियनेयर बोलता हूँ। होता क्या है, लोकल आइडिया कि आप एक डिश, कोई भी मीठी हो, सलूनी हो, जो भी है, आपको बनाने में जो मजा आता है, जो जिसकी वजह से आपकी तारीफ होती है कि आप ना रसमलाई बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप चाय का कप या कॉफी अच्छी बनाते हैं, तो वो आप बना के मोहल्ले के आगे शुरू कर दें। यानी स्टार्ट इन योर मोहल्ला, स्टार्ट इन योर, आपकी जो फूड स्ट्रीट है, ढाबा लगाने की बात कर रहा हूँ, सीरियसली ढाबा, बिरयानी बेच रहे हैं आप, एक देगचा, एक छोटी सी देग बिरयानी की आप बेच दें, किसी वो काबुली पुलाव की बेच दें, वहां से आपको बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा और वो उसकी बनाने की कॉस्ट आपकी 2-3-4 हजार रुपए आएगी और यकीनन शाम में आप प्रॉफिट लेके घर जाएंगे। अगर वो काम की चीज हुई तो आप, यानी आपका वो बिजनेस शुरू हो जाएगा। उसमें जो आपका हौसला बढ़ेगा, जो आपका, यानी आप में जो वो नॉलेज आएगा, जो कहेंगे यार मैं भी बिजनेस वूमन हो गई हूँ, मैं भी बिजनेस मैन हो गई हूँ, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू इंस्टिल इन एवरीबॉडी, उससे आप शुरू करें। उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, चावल भी नहीं जाया होंगे, आप खा देंगे, फैमिली में बांट देंगे, आपके वही बर्तन है जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स द वन थिंग आई वुड पुश। आप काफी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके इंटरव्यूज भी करते हैं, आप खुद भी बिजनेस एजुकेशन देते हैं, नॉर्मली क्या चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर छोटे पैमाने पे बिजनेस स्टार्ट किया है, चैलेंजेस क्या आते हैं, ऑब्वियसली अदर देन द कैपिटल, और क्या चैलेंजेस आते हैं? मेंटालिटी, लोग क्या कहेंगे, डर। मैं आई डोंट नो, आप बुरा समझे, मैं कहता हूँ जिसको नहीं, जो डर है उसके पार नहीं जा सकता तो वो भूखा मरे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कामयाब बंदा एंड नाकाम बंदा। ये जो हमने मसनूई बाउंड्रीज खड़ी कर दी है, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी तालीम इतनी ज्यादा है, ये मेरे नीचे है काम, मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो फला हूँ, मैं दिस तकब्बुर जो झूठा है, इससे हमने पार जाना। और आई थिंक इसका मेजर जो इसको तरजीह देने वाला हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैंने MA किया हुआ, मैं नहीं बेच सकता, मेरी नाक कट जाएगी, रिश्ता नहीं मिलेगा। तो हम ना, वी आर टू फार फ्रॉम हकीकत। मैं आईना दिखा रहा हूँ आवाम को कि दैट्स द ट्रूथ, इसको इससे पार जाए। एक बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, वायरल हुई थी, 20+ मिलियन लोगों ने स्टोरी देखी, एक प्रोफेसर साहब हैं जो दो, यानी आई थिंक इट वाज 2 डिग्री हैं बाहर की, और काफी सालों से वो क्या कहते हैं अपना बेरोजगार थे, और उन्होंने बिरयानी बेचना शुरू की, उनकी वाइफ कुक कर रही हैं और वो बेच रहे हैं। एंड यानी अगर उनकी भी आप देखो, बड़ी मुश्किल से अपने से लड़ के वो बिरयानी उन्होंने सड़क पे लाई बेचने के लिए। तो व्हाई डू वी हैव टू हैव दैट, ये हुआ कैसे, व्हाई डिड ही हैव टू फाइट? उनको जरूरत नजर आ रही थी, उनके पास एक स्किल सेट था, जाके बेचते। बट मैं यकीन से कह सकता हूँ जब फाके भी थे उनके घर, फिर भी उनको महीने लगे होंगे टू क्रॉस दैट बाउंड्री। तो वो बाउंड्री हमने ना अपने अगली जनरेशन में डालनी नहीं है, और जो फिलहाल वाली क्या कहते हैं जनरेशन, इससे निकालनी है। तो जब हम काम की हो जाएंगे, हम अच्छे मैनेजर्स बन जाएंगे, तो पूरी दुनिया कहेगी कि यार अमला हमारा लोकल यार, लेकिन मैन्युफैक्चर अपना जो मैनेजर है ना, मेरे पेट्रोल पंप का, मेरी फैक्ट्री का, मेरे जो भी है IT हाउस का, वो पाकिस्तानी होना चाहिए। तो दैट्स ओनली गोइंग टू हैपन जब हमारी एटीट्यूड चेंज होगा।
आजाद, आप एटीट्यूड चेंज होने की बात कर रहे हैं, सोच चेंज होने की बात कर रहे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी फीमेल रिसोर्स भी है। आप कह लें कि आबादी का तो तकरीबन 50% है, लेकिन वर्क फोर्स में इनका शेयर 20-22% है, जो कि दुनिया की जो एवरेज है, ग्लोबल एवरेज, उसके मुकाबले में आधा है। तो क्या आपको लग रहा है कि हम इस असासे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हमें इसको करना चाहिए? हमने इसको लिंक किया हुआ है कि आप डिग्री लोगी और आपको रिश्ते अच्छे मिलेंगे, जबकि मैं तो आई एम द बिगेस्ट प्रो फीमेल एजुकेशन, और मैं उनको रियलिटी दिखाता हूँ कि आप हमारे मर्दों को पीछे छोड़ देंगे। तो एक वालिद साहब है जिन्होंने देखा कि मेरी बेटी ने डिग्री की हुई है, लेकिन ये बंदा ना यूट्यूब पे पके जा रहा है कि भाई आप ना क्या कहते हैं स्किल सीखे। तो उन्होंने मुझे आजमाया, वो बच्ची आपकी कहीं भी जा सकती है, मैं अपनी अहम मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। 14 दिन की उसने वीडियो एडिटिंग सीखी 14 दिनों में। फर्स्ट मंथ उसकी इनकम थी 18,000 रुपए। चंद महीने बाद उसने अपनी जो छोटी बहन है उसको भी सिखाना शुरू कर दिया। तो वो जो थैंक यू था उसमें वाले साहब ने जिक्र किया कि वो भी फाइवर पे लेवल 2 क्या कहते हैं अपना पे पहुंच गई है, और मैंने उसका अकाउंट भी देखा एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज मेकिंग गुड मनी। वो बच्ची हमारी घर बैठे कमा रही है। सो IT ऐसा स्किल है जिसके नंबर 1 तो नहीं हम हो सकते, बट हम ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा लेडीज साथ देंगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो 5 साल बाद होगा 60 बिलियन होगा। अगर आप फॉरेन में देखें, वहां भी जो बड़ी बड़ी, फॉरेन को छोड़ें, अपने कल्चर में आप जाके देखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ शी वाज अ बिजनेस वूमन। आप भी किसी की वाइफ एक दिन बनोगी, आप भी तकरीब बिजनेस वूमन बनो। और जो फ्रीलांसर होता है वो समझ लेंगे बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन ही होता है। आजाद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और टाइम दिया, और आई होप ये जो डिस्कशन आपके साथ रहा थोड़ा सा हट कर है, जो यूजुअली हम प्रोग्राम करते हैं, बट जरूरी है लोगों को एजुकेट करना, और कभी कभी जो है आपको जगाने के लिए इस तरह के डिस्कशन जरूरी होते हैं। आपसे आगे ही बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।